हुकूमत ने फ्लोर मिल्स के गंदम कोटे पर कट लगा दिया। कोटे में 400 मेट्रिक टन गंदम की कमी। लाहौर में 60,000 आटे के थैलों की किल्लत पैदा हो गई। 15 किलो आटे का थैला मजीद महंगा होने का खदशा। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक गंदम की कीमत 3,200 से बढ़कर 3,400 रुपए फीमन हो गई। दूध दही फरोशों की मनमानियां उरूज पर। गढ़ी शाहू, ताजपुरा, धर्मपुरा और दीगर इलाकों में मनमाने दामों पर फरोख्त। प्याज और टमाटर फिर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गए। प्याज 210 और टमाटर 200 रुपए किलो में फरोख्त। आलू भी 95 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरियों को सब्जियां महंगी होने पर परेशानी। सबको हंसाने वाले तारिक टैडी चाहने वालों को रुला गए। मरहूम जिगर और सांस के आर्जे में मुब्तला थे। उम्र 46 बरस थी। मैयत घर से ईदी सर्द खाने मुंतकिल। गुस्लो कफन के बाद हवाले की जाएगी। नमाज जनाजा बाद अज नमाज असर शाह फरीद दरबार सब्जाजार में अदा की जाएगी। एमसीएल में 3 अरब 33 करोड़ की माली बेजाबतगियां। महकमा खजाना ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ऐवान वजीर आला को पेश कर दी। एमसीएल में हेरा फेरियों पर ऑडिट पैरा लगा दिए गए। 10 करोड़ के अखराजात का रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं। खरीदारी मामलात में 42 करोड़ 96 लाख। सर्विस डिलीवरी से मुतालिक फंड में 49 करोड़ की हेरा फेरियां। नाकिस हिकमत अमली से 2 अरब 26 करोड़ के 40 केसेस सामने आए। वजीर आला की पीटीआई दौर के मंसूबों में अदम दिलचस्पी। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे का दूसरा हिस्सा नामुकम्मल। पहला हिस्सा दिसंबर 2021 में मुकम्मल किया गया। वजीर आला आए रोज नए मंसूबों का संगे बुनियाद रखने लगे। नामुकम्मल मंसूबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। तौसी 4 तारीखें देने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सकी। गैर कानूनी तामीरात पर कमिश्नर मोहम्मद आमिर जान इन एक्शन। गुलबर्ग जोन में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस। असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फरीहा अमीन, बिल्डिंग इंस्पेक्टर उसामा यूसफी ओहदे से फारिग। अफसरान के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश। शहर में स्मॉग के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 244 रिकॉर्ड। शहर का मतला जुजवी अबर आलू। ठंडी हवा भी चलने लगी। सर्दी बढ़ चुकी। दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वजीर आला परवेज इलाही का अनोखा फैसला। डॉक्टर रिजवान नसीर को रूल्स के बरक्स ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। पंजाब काबीना किसी भी अफसर को बराह रास्त तरक्की देने का इख्तियार नहीं रखती। डॉक्टर रिजवान नसीर किसी भी सूबाई सर्विस के अफसर नहीं। वजीर आला की सिफारिश पर उन्हें बराह रास्त ग्रेड 20 में भर्ती किया गया था। आमदन से जायद असासाजात। साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार ने अबूरी जमानत करा ली। अदालत ने नैब को 30 नवंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब से जवाब तलब। पंजाब भर में सीटीडी कार्रवाइयां। 7 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों में जाहिद अब्दुल्ला, नुमान, अकरम, सिद्दीक, एहसन और शुएब शामिल। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीमों से है। बारूदी मवाद, असलहा, ममनुआ लिटरेचर भी बरामद। सब्जी जमान पार्क में इमरान खान का तिबी मुआयना। डॉक्टर फैसल ने टांगों के जख्मों को चेक किया और पट्टी भी की। रिपोर्ट के बाद कप्तान रावलपिंडी जलसे से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। जमान पार्क में पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया गया। कितने लोग पोलिया अंडरपास इस्तेमाल करते हैं। माहौलियाती आलूगी के खिलाफ कमीशन ने रिपोर्ट तलब कर ली। ट्रैफिक पुलिस ने पेडिस्ट्रेरियन ब्रिजेस अंडरपासेस का सर्वे शुरू कर दिया। पुलों पर बर्की सीढ़ियां लगाने की तजवीज। जूनियर रैंक के पुलिस अफसरान के तबादलों बारे अहसन इकदाम। अब एक से दूसरे रीजन में तबादलों के लिए शटल कॉक नहीं बनना पड़ेगा। मरासले में लिखा गया है कि आइंदा 7 रोज के अंदर फौरी जवाब दिया जाए। तबादला मनसूखी की ठोस वजूहात भी बताई जाएं। DDHO निश्चर टाउन डॉक्टर इरफान के तबादले पर पोलियो वर्कर्स का एहतजाज। वर्कर्स की DDHO के हक में बैनर्स उठाकर नारेबाजी। बोले डॉक्टर इरफान का नाजायज ट्रांसफर किया गया।
रेलवे वॉशिंग लाइन में मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज, इंतजामी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ने कहा कि एक हफ्ता गुजर गया, दर्जा चहारम के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गई। वजीर रेलवे साद रफीक तनख्वाहों की फराहमी का हुक्म दें। हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के जजेस ने इख्तियारात की असर नौ तकसीम। जस्टिस मलिक शहजाद एटीसी और एहतसाब अदालतों के मॉनिटरिंग जज मुकर्रर। जस्टिस शुजात एंटी करप्शन और कमर्शियल अदालतों के इंतजामी जज होंगे। जस्टिस आलिया नीलम पंजाब लाइफ स्टॉक ट्रिब्यूनल की मॉनिटरिंग जज मुकर्रर। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल और चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट म्यूजियम के भी एडमिनिस्ट्रेटिव जज होंगे। बेटी के जहेज के लिए नाकिस फर्नीचर देने का मामला, बंद रोड के बशीर अहमद ने 1 लाख खर्चाने का दावा दायर कर दिया। बाबू फर्नीचर हाउस बंद रोड का मालिक, 25 नवंबर को सारिफ अदालत तलब, नोटिस जारी। गवर्नर पंजाब से जूनियर डिप्लोमेटिक कोर्स के शुरका ने मुलाकात की। वफ में 12 ममालिक से आए 18 जेर तबीयत जूनियर सिफारतकार शामिल। गवर्नर पंजाब ने वफ के शुरका को गवर्नर हाउस की तारीख बारे आगाह किया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर महर मोहम्मद हयात टाउनशिप का दौरा, सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में सहूलियात का जायजा लिया। सफाई सुथराई पर इजहार इत्मीनान किया। खवातीन ने गर्म कपड़े तकसीम किए गए। डेंगू के खिलाफ सियासी रहनुमा भी मैदान में। रहनुमा पीटीआई वसीम कादर की जानिब से बागबांपुरा में स्प्रे गया। मलिक सिद्दीक अकबर, गुलाम मुस्तफा खान, उमर शहजाद उनके हमराह थे। महर शाहिद, अब्दुल हादी, उस्मान अली, सगीर हामिद और राणा एजाज भी मौजूद थे। और नाइसर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद बट की सालगिरह, डीआईजी सुहेल सुखेरा और महमूद फार्मेसी के मालिक अर्जुमन मकसूद भी अपनी सालगिरह मना रहे हैं। मुबारकबाद के पैगाम। हुकूमत ने फ्लोर मिल्स के गंदम कोटे पर कट लगा दिया। कोटे में 400 मेट्रिक टन गंदम की कमी। लाहौर में 60,000 आटे के थैलों की किल्लत पैदा हो गई। 15 किलो आटे का थैला मजीद महंगा होने का खदशा। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक गंदम की कीमत 3,200 से बढ़कर 3,400 रुपए फीमन हो गई। दूध दही फरोशों की मनमानियां उरूज पर। गढ़ी शाहू, ताजपुरा, धर्मपुरा और दीगर इलाकों में मनमाने दामों पर फरोख्त। प्याज और टमाटर फिर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गए। प्याज 210 और टमाटर 200 रुपए किलो में फरोख्त। आलू भी 95 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरियों को सब्जियां महंगी होने पर परेशानी। बेटी के जहेज के लिए नाकिस फर्नीचर देने का मामला, बंद रोड के बशीर अहमद ने 1 लाख खर्चाने का दावा दायर कर दिया। बाबू फर्नीचर हाउस बंद रोड का मालिक, 25 नवंबर को सारिफ अदालत तलब, नोटिस जारी।